رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين रमज़ान अल मुबारक के बाद हमने अकायद के मुतालिक मौजूआत का एक सिलसिला शुरू किया। दो किस्म के अकायद आप साथियों के सामने ज़िक्र कर दिए गए मुख्तसर अंदाज में। पहला अकीदा आपके सामने जो बयान किया गया, इंशाअल्लाह आपको समझ भी आया होगा, वो अकीदा था कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात का खासा है, इल्म गैब और कोई नहीं जान सकता, ये सिर्फ अल्लाह का खासा है, इसमें किसी और को शरीक करना, भाईवाल बनाना, अल्लाह वाली सिफत किसी और में मानना, ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल तबाहकुन और इंसान को बर्बाद कर देने वाला अकीदा है। ये तफसीली बात अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। फिर उसके बाद दो जुमों पर आपके सामने जो अकायद बयान किया गया, अकीदा बयान किया गया, वो ये था कि मुख्तारे कुल सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, हर चीज़ पर अख्तियार अल्लाह का है, हर चीज़ पर कंट्रोल सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के सामने कोई अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता, और जहाँ अल्लाह मर्ज़ी अपनी चलाए वहाँ कोई अल्लाह के सामने चूँ चरा तक नहीं कर सकता। मैंने आपको दो जुमों पर यह मौजू सुनाया था, पिछला जुमा गैर हाज़िरी, और आज का एक मौजू है वो भी अकीदे के मुतालिक है और बड़ा अहम मौजू है भाइयों, वो मौजू है मन्नत मनोती नज़र न्याज। मन्नत मनोती नज़र न्याज, ये मन्नत मनोती नज़र न्याज जो है ये शरीयत में इसकी क्या हैसियत है, क्या इसका मानना जायज़ है या नहीं, और क्या अगर ये मानी जाए तो किसके नाम की मानी जाए, और जो गैर के नाम की मानी जाए उसका हुक्म क्या है शरीयत की रूह से, पता होना चाहिए ना जी हमें। मेरी कोशिश ये है भाइयों आप तक हक बात पहुंचा दी जाए, अल्लाह पाक से दुआ भी है अल्लाह मुझे भी और आपको भी हक पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी हमारी तो कोशिश है और हमारे ज़िम्मे है आवाज़ लगा देना, हिदायत के दरवाज़े खोलना, ये अल्लाह का काम है। भाइयों मन्नत और नज़र ये दोनों एक चीज़ें हैं। मन्नत और नज़र, जैसे कोई बंदा मन्नत मानता है या कोई बंदा नज़र मानता है, ये दोनों सेम है, एक ही चीज़ का नाम है। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है किसी इबादत के काम को अपने ऊपर लाजिम कर देना, ऐसी इबादत जो लाजिम ना हो। बात तवज्जो से सुनना जी, ऐसी इबादत जो बंदे पर उस वक़्त लाजिम नहीं है उस इबादत को अपने ऊपर लाजिम कर देना किसी चीज़ की वजह से, इसको मन्नत और नज़र कहते हैं।
मसलन अब जुमा हमारे ऊपर लाजिम है, इधर बैठ के कोई कहे जी मैं मन्नत मान रहा हूँ मैं जुमा पढ़ूंगा, तो ये मन्नत नहीं है, जुमा तो ऑलरेडी लाजिम है। ऐसी इबादत मसलन एक बंदा है उसके जिम्मे हज फर्ज था, उसने हज अदा कर दिया, उसके बाद उसका कोई मामला अटक गया, कोई मसला आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई किसी जगह फंस गया, तो उसने मन्नत मानी कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं हज करूँगा, अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं उम्रा करूँगा, अगर ये मेरा काम, यानी असल में ये इबादत इस बंदे पर लाजिम नहीं थी और बंदे ने अपने ऊपर उस इबादत को लाजिम कर दिया है, तो वो इबादत वो जो उसने मन्नत इसी को मन्नत कहते हैं और इसका पूरा करना बंदे के लिए वाजिब और लाजिम है। समझे बात की, वाजिब है और इसके फिर आगे अहकामात हैं, इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, कोशिश करता हूँ आप बातों को तवज्जो से समाप्त फरमाए। जो इबादत लाजिम नहीं थी उस वक़्त उसको अपने ऊपर लाजिम करना किसी वजह से, इसको मन्नत या नज़र कहते हैं। ठीक है, एक नंबर दो, मन्नत अल्लाह के नाम की मानी जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की मन्नत मानना हराम है और शिर्क है। ठीक है, बात समझ आई, मन्नत बोलो बोलो जरा किसके नाम की, अल्लाह के नाम की मानी जा सकती है, उस अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की मन्नत मानना ये हराम है। मैं कुरान की रूह से आपको दो किस्म की मन्नतों का, दो किस्म की मन्नतों का कुरान की रूह से हवाला पेश करूंगा, एक मुसलमान की मन्नत और दूसरा काफिरों की मुशरिकीन की मन्नत। वो कैसे मानते थे, लेकिन यहाँ पर पहले बुनियादी चीज़ें समझ लो। मन्नत और नज़र कहते हैं किसी इबादत को जो उस वक़्त लाजिम नहीं थी बंदा अपने ऊपर लाजिम कर दे, उसको कहते हैं मन्नत। ठीक है, और फिर उसके बाद मन्नत सिर्फ अल्लाह के नाम की मानी जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की मन्नत नहीं मानी जा सकती। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, मन्नत जिस चीज़ की माननी है वो काम इबादात में से हो, ये बात भी समझिएगा, जिस काम की मन्नत माननी है वो काम इबादात में से हो, गैर इबादत की मन्नत मानना सही नहीं है। मसलन एक बंदा मन्नत मानता है कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं जो है क्या फलां बंदे से बोल चाल छोड़ दूंगा। अब किसी से कता ताल्लुक करना ये पहले से ही नाजायज़ है, इस काम की मन्नत मानना गलत। यानी वो काम जिस काम को शरीयत की रूह में इबादत कहते हैं, किसी मौका पर वो वाजिब या फर्ज के दर्जे में थी, उस काम की मन्नत मानना, इंसान अगर मन्नत मानता है तो ये सही है। उसके अलावा किसी और काम की जो शरीयत की रूह से इबादत न हो उसकी मन्नत मानना सही नहीं है। तीन बातें हो गई, मन्नत का माना हो गया, मन्नत किस जात की होनी चाहिए, और फिर तीसरी बात कि मन्नत उन अफ़ाल और आमाल की होगी जो शरीयत की रूह से इबादत कहलाती हैं। मसलन मैं मन्नत मानता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं मन्नत मानता हूँ मेरा फलां काम हो गया मैं 10 नफल पढ़ूँगा, नफल इबादत है कि नहीं, है ना इबादत। मैं बकरा अल्लाह के नाम पे ज़बह करूँगा, ये सदका खैरात ज़बह करना ये इबादत है ना। ठीक है, इसी तरह रोज़ा रखूँगा, तवाफ़ करूँगा, उम्रा करूँगा, है ये मन्नतें, ये इबादत कहलाती हैं चीज़ें, इन चीज़ों की मन्नत मानना सही है, गैर इबादत की मन्नत मानना सही नहीं है। मसलन एक बंदा कहता है मेरा फलां काम हो गया तो मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा, ये भी तो मन्नत हो गई ना। हाँ, अब तलाक कोई इबादत नहीं है और ऐसी मन्नत, ये अलहदा मसला है कि तलाक होगी या नहीं, तलाक हो जाएगी, लेकिन इस किस्म की मन्नत मानना सही नहीं है शरीयत में। शरीयत में मन्नत उन चीज़ों की मानी जाए
कि जो चीज़ें शरीयत में इबादत मुतसव्वर हैं, जिन चीज़ों को शरीयत इबादत कहती है। समझ आई भाई बातों के? ठीक है। और नंबर चार ये है कि गुनाह के काम की मन्नत मानना ये बिल्कुल गलत है। गुनाह के काम की मन्नत मानना ये गलत है। कोई बंदा कहे मेरा फलां काम हो गया तो मैं फलां गुनाह का काम करूंगा, कोई गुनाह के काम आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई भी गुनाह का काम है, तो गुनाह और मासीयत का काम की मन्नत मानना गलत है। लेकिन इस पर एक मसला समझ लो, किसी बंदे ने गुनाह के काम की मन्नत मानी, गुनाह के काम की, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी, एक बंदे ने मन्नत मानी, वो कहता है कि मैं अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं फलां बंदे से बोलचाल छोड़ दूंगा। अब मुसलमान से बोलचाल छोड़ना गुनाह है ना? गुनाह है। अब ये गुनाह के काम की मन्नत मान रहा है। अब यहां पर शरीयत कहती है ये मन्नत पूरी भी कर, लेकिन अलहदा तरीके से पूरी कर। कैसे कर? ये काम जो है तेरे मन्नत पूरी ऐसे नहीं कर सकेगा कि तू बोलचाल छोड़ दे या वो गुनाह का काम कर, बल्कि उसका मुतबादल ये है कि उसका कफारा अदा कर, और उसका कफारा ऐसे है जैसे कसम का कफारा होता है। समझ आई मसले की? नहीं आई आपको? मैं अभी वजाहत करता हूं मजीद। मन्नत मानी गुनाह के काम की, गुनाह के काम की मन्नत मानी। अब गुनाह का काम तो करना ऑलरेडी जुर्म है, अब ये मन्नत माने खड़ा है। शरीयत कहता है इस मन्नत को पूरा न कर, बल्कि इसके बदले में कसम के कफारे का जो जुर्माना बंदे पर आयद होता है वो जुर्माना तुम्हें अदा करना होगा। ठीक है। इसलिए ये चार पांच चीजें जो मैं बुनियादी बता दी आपको, नजर और मन्नत क्या चीज होती है, और फिर उसके बाद मन्नत मानना ये शरीयत की नज़र में कैसा है, शरीयत में जायज़ है, लेकिन किस किस हालत में? एक तो अल्लाह के नाम की मन्नत हो, दूसरा उन आमाल की मन्नत हो जो शरीयत की रूह से इबादतें कहलाती हैं, जो शरीयत की रूह से इबादत कहलाती है, उन आमाल की मन्नत मानना सही है, और दुनियावी कामों की मन्नत मानना ये सही नहीं है। उसके बाद गुनाह के काम की मन्नत मानना ये बिल्कुल गलत है। और फिर मैंने आपको पूरा मसला समझा दिया, किसी ने अगर गुनाह के काम की मन्नत मानी तो उसके लिए हुक्म क्या है। ठीक है जी। अब आपको कुरान की रूह से मैं एक मुसलमान की मन्नत समझाता हूँ, सुनाता हूँ, और फिर दूसरा मुशरिकीन मक्का की मन्नतें मानने का तरीका, वो जो उनका अंदाज था वो सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक दो अहादीसें आपको सुनाऊंगा। टाइम ही यही कुछ होता है जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने तीसरे पारे में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم। तीसरा पारा है, सूरत का नाम सूरत आले इमरान है। अल्लाह ने फरमाया, जब हजरत इमरान की बीवी उम्मीद से हुई तो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बरगाह में वो मन्नत मानती है, नजर मानती है। मैंने बताया ना आपको, मन्नत और नजर एक ही चीज है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इद कालत, जब कहा उस औरत ने, कौन सी? इमरातु इमरान, हजरत इमरान की बीवी ने क्या कहती है, रब्बी इन्नी, ए मेरे रब करीम, इन्नी नजर, तो मैं नजर मानती हूँ, लका, किसके लिए? अल्लाह के लिए,
कुरान कह रहा है, ओ कायनात वालों सुनो, तुमने अगर मन्नत माननी है कुरान पढ़ो। कुरान कह रहा है मन्नत सिर्फ अल्लाह के नाम की। जो लोग मन्नत मानते हैं जी फलां मेरा काम हो गया तो फलां जगह पर मैं देख तकसीम करूंगा, फलां मजार पे जाके कुकड़ छोड़ाऊंगा, फलां जगह पे जाकर कबूतर छोड़ाऊंगा, फलां बाबे के नाम की लिट्टे रखाऊंगा, फलां बाबे का फलां जगह पर फलां बाबे की कब्र पक्की करा दूंगा, ये करा दूंगा। फरमाया ओ लोगों, कुरान कह रहा है कि वो औरत जो है हजरत इमरान की बीवी, वो क्या कहती है, इन्नी नजर तो ए रब्बे करीमा, मैं नजर मानती हूं लाका तेरे लिए, किसी नबी के लिए नहीं, किसी वली के लिए नहीं, किसी फरिश्ते के नाम की नहीं, किसी बुजुर्ग के नाम की नहीं, क्या कह रहे हैं, लाका अल्लाह तेरे ही लिए मैं मन्नत मानती हूँ। और फिर क्या कहती है, कौन सी नजर माफी बतनी, जो मेरे पेट में बच्चा है, ये बच्चा जब पैदा होगा तो इस बच्चे की मैं मन्नत तेरे नाम की मान रही हूं। क्या मन्नत मान रही है, वो कहती है मुहर्रमा, अल्लाह मैं इस बच्चे से दुनिया का काम नहीं लूंगी बल्कि इस बच्चे को तेरे दीन की और तेरे घर की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। अल्लाह अकबर, ये औरत मन्नत मान रही है और मन्नत भी अल्लाह के नाम की, और कह रही है जो मेरा बच्चा है इसको तेरे दीन के काम के लिए बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। अब आप पहली बात आपको समझ आई, औरत ने कहा लका तेरे लिए, इसकी समझ आ गई। दूसरी बात समझिएगा, वो औरत क्या कहती है, अल्लाह मैं अपना बच्चा मुहर्ररा तेरे दीन की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। आप मुझे जवाब दीजिए, दीन की खिदमत करना इबादत है कि नहीं, इबादत है ना, हाँ? तो यानी इबादत के काम की मन्नत मानना कुरान बता रहा है जायज है और साबित है कुरान से। अल्लाह फरमाते हैं उस औरत ने जब मन्नत मानी, अल्लाह फरमाते हैं आगे क्या कहती है, फतकबल मिन्नी, आगे से औरत कहती है अल्लाह मेरी ये मन्नत जो मैं तेरी बरगाह में पेश कर रही हूं, तकब्बल मिन्नी, अल्लाह मेरी तरफ से ये तू कबूल फरमा। नुमाइश नहीं कर रही है, नुमाइश नहीं कर रहे जी, एक बंदा मन्नत माने मेरा फलां काम हो जाए, मस्जिद के अंदर मैं कारपेट लगवा दूंगा, सवाब का काम है ना, अच्छा मेरा ये काम, फिर उठे आके कारपेट लगवा के ऊपर नेम प्लेट लगवा दे जी फलां के सवाब के लिए, वह अतिया फलां की जानिब से, ए नुमाइश करना मकसूद ना हो मेरे भाई हो, मन्नत मानी है तो अल्लाह के लिए और फिर उसके बाद अल्लाह की रजा मकसूद हो और अल्लाह से दुआ करे फतकबल मिन्नी, अल्लाह मेरी ये मन्नत तू कबूल फरमा। और फिर आगे क्या कहती है, इन्नका अंता अस्समीउल अलीम, ए रब्बे करीमा तू सुनने वाला और दिलों के हालात जानने वाला है, मैंने ये मन्नत मानी है, तू सुन रहा था मेरे लफ्ज थे कि मैं तेरे लिए मान रही हूं, और फिर उसके बाद अल्लाह मेरे दिल के हालात तू जानता है, मेरा दुनियावी कोई मकसद नहीं था, सिर्फ तेरी रजा मकसूद थी। अल्लाह, ये है मोमिन और मुसलमान की मन्नत, कुरान जिक्र करता है। सूरत का नाम सूरत आले इमरान,
और आयत नंबर मेरे भाइयो 35 35 नंबर की आयत है। पूरा वाक्य बयान करूँ ना तो फिर यही वाक्य बयान होगा, बयान जुमा ख़त्म हो जाएगा, मकसूद ख़त्म हो जाएगा। बात समझिएगा, ये मैंने कुरान से साबित किया। अगे तुम सुनो है ना, तो अगे पैदा कौन हुई? बच्ची। बच्चा पैदा ना होया तो क्यों हुई? बच्ची पैदा हुई, और बच्ची का नाम क्या था? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। और हजरत मरियम फिर उस औरत ने वो मन्नत पूरी की, और उनका जो भाई था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हवाले अपनी बच्ची को कर दिया, भाई तेरी भांजी बेटी भी है और ये अल्लाह के नाम पर आज़ाद है। ये लंबा वाक्य है। फिर उनके बतन से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। मुख्तसर मैंने जो बुनियादी चीज़ आपको बतानी थी, आयत नंबर 35 सूरत आले इमरान और तीसरा पारा है। भाइयों, एक होता है मुसलमान की मन्नत मानना, दूसरा है मुशरिकीन की मन्नत मानना। मुसलमान की मन्नत मानने का तरीका ये है, एक तो वो अल्लाह के नाम की मन्नत मानता है, दूसरा मुसलमान हमारी शरीयत कहती है अगर तूने मन्नत माननी है उन अमाल की मन्नत मान जो शरीयत की रूह से इबादत कहलाते हैं। बात समझाई थी ना मैंने शुरू में आपको? अच्छा जी, अब दूसरी बात, मुशरिकीन मक्का वो भी मन्नत मानते थे, मुशरिकीन मक्का वो भी मन्नत मानते थे। वो कैसे मन्नत मानते थे? आठवें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वजालू मिम्मा जरा मिनल हर्सि वल्लनाम नसीबा फकालू हाजा लिल्लाह बिज़ामिहिम वहाजा लिशुरकाइना फमा काना लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह वमा काना लिल्लाहि फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम सा मा यहकुमून। सूरत का नाम सूरत अनाम। और मेरे भाइयों आयत नंबर 136, ओ मुसलमान दी मन्नत, सूरत आले इमरान आयत नंबर 35 35, और ये सूरत अनाम आठवां पारा और आयत नंबर 136। अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का का मन्नत और नजर मानने का अंदाज जिक्र किया है और फरमाया मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, वजालू लिल्लाह मिम्मा जरा मिनल अरसे वल्लना में नसीबा। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, जो फसल पैदा होती, तवज्जो, जो फसल पैदा होती उसमें से भी अल्लाह का हिस्सा निकालते, और जो जानवर होते उनमें से भी अल्लाह का हिस्सा निकालते। और फिर फरमाया अल्लाह ने वहाजा लिशुरकाइना, एक हिस्सा तो अल्लाह के नाम का निकालते और दूसरा हिस्सा उनका जिनको अल्लाह का शरीक बनाया है। ओ अल्लाह दियाँ मनता ही मनोतियाँ मनेंदे हैं, ते गैर अल्लाह दियाँ मनता मनोतियाँ भी मनेंदे हैं। अल्लाह के नाम पे भी कभी सदका खैरात कर दिया, जैसे आज का कलमा गो करता है, अल्लाह के नाम का भी सदका खैरात कर दिया और फिर मज़ारों पर भी जाके चादरें चढ़ा रहा है, वहाँ पे सबीले लगा रहा है, वहाँ पे लंगर चला रहा है, वहाँ पे जाकर देगे तकसीम कर रहा है, रोटे खा रहा है। बाबी जी तो रोटे आंदे हो सन तारे काल है, आंदे न नहीं आंदे? उन्होंने पता है ना पक्के मुवाहिद है, तो क्या जमाने आंदे हैं, तुसें खा दे हो। अच्छा, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह अकबर। मसला दसें ना अज खा दे ना उन्होंने मसला दसें हाँ भाई उसका हुक्म के अल्लाह वहाजा हाजा लिल्लाह ये अल्लाह का हिस्सा है, वहाजा लिशुरकाइना और ये अल्लाह के शरीकों का हिस्सा है। बाबे हुबलदा,
लात मनात हुबल बाबे लात दा बाब मनात दा हुबल दा इसाफ दा नाइला दा फलां 360 बुत सिर्फ बैतुल्ला के अंदर उन्होंने खड़े किए हुए थे। ये उनका हिस्सा है, ये उनका हिस्सा, ये उनका हिस्सा, ये अल्लाह का हिस्सा है। फिर अल्लाह ने फरमाया उनकी घटिया हरकत एक और देखो लोगो, मैं अल्लाह तुम्हें बताऊँ। अल्लाह कह रहा है वमा कान लिल्ला फमा कान लिशुरकाइम फला यसिलु इलल्लाह। मसलन मिसाल के तौर पर तवज्जो, मिसाल ना कर समझना पया। गंदम की फसल उठाई, थ्रेशर लगी, भूसा अलहदा हो गया, गंदम का ढेर अलहदा हो गया। हुण के कीता है, ए अल्लाह वाला हिस्सा अलहदा कर दो, ए बाबियां वाला हिस्सा अलहदा कर दो। अल्लाह कहते हैं जब कभी अल्लाह वाला जो हिस्सा पड़ा था उसमें से थोड़ा सा कोई हिस्सा अगर शुरका के हिस्से में मिल जाता, कहते अल्लाह नू केरी शह दी कमी है, अल्लाह नू केरी लोहड़े भाई खैर है बदके अल्लाह ऐसे आ गया तो के हो गया है। वमा कान लिल्लाह वमा कान लिल्लाह फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम। और अगर बुतों वाला गैरुल्ला वाला जिनको अल्लाह का शरीक बनाया हुआ उनके हिस्से में से थोड़ा बहुत अल्लाह के हिस्से में मिल जाए तो तोबो 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 ओ बहुत बाबा नाराज ही गया था सारा था छप्पर ढापो सी बाबा नाराज हो गया सारी गां सुख वैसी सारी फसलां तबाह हो वैसन ओ फलां उग जाएगा फलां बच्चा बीमार हो जाएगा। उड़ू वाला हिस्सा अल्लाह आले पास मिल वे तो तौबा 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 जे अल्लाह आला हिस्सा उड़े मिल जाए अल्लाह नू केरी कमी है भाई खैर है बद के हो गए। अल्लाह फरमाते हैं सा माया कमोन और घटियो कितने बुरे फैसले करते हो तुम, अल्लाह के मुतल्लिक कितने बुरे फैसले करते हो। भाइयों ये मुशरिकीन का मन्नत मानने का अंदाज था कि वो बाबों के नाम के बुतों के नाम के अल्लाह के शरीकों के नाम के हिस्से निकालते थे। ए नहीं भाई सिर्फ जानवर से हिस्सा निकालते, जानवरों के भी हिस्से निकालते, फसलों के भी हिस्से कटे फसलों के भी भाई ए यारवां ए डामा टोपा फलाने दे नाँ दा ए यारवीं फलां बाबे दे नाँ दी ये फलां फलां फलां। भाइयों याद रखो ये मुशरिकीन मक्का का तर्ज और अंदाज था उनके मन्नत और नज़र मानने का, ये बाबे का हिस्सा ये अल्लाह का हिस्सा है। मुवहिदा का जिसका जिक्र कुरान ने किया मैंने आपको समझाया उसका अंदाज था क्या कहते हैं इन्नी नज़र तो लका अल्लाह मैं नज़र सिर्फ तेरे लिए मानती हूँ तेरे अलावा नज़र में कोई हिस्सेदार कोई नहीं। भाइयों जो मैं मौजू बयान कर रहा हूँ जेनों में रखिएगा, जो साथी बाद में आ रहे हैं जेनों में रखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नज़र और मन्नत दोनों सेम चीज़ें हैं। शरीयत की रूह से नज़र मानना या मन्नत मानना ये जायज़ है, कोई मना नहीं, लेकिन चंद शरायत हैं। पहली शर्त नज़र सिर्फ अल्लाह के नाम की हो, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और बात सुनो यार, मेरे जहन में बात आ गई। बात लोग यूं करते हैं कि मन्नत अल्लाह के नाम की मानी, मन्नत अल्लाह के नाम की मानी कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं अल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा करूंगा, ठीक है, मुर्ग ज़बा करूंगा, देख तकसीम करूंगा, और करूंगा कहां, हजरत शेख सुल्तान ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, समझे, हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह के दरबार पर, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह के दरबार पर, या किसी और चौखट पर, किसी और दरवाजे पर, किसी और दरबार पर। याद रखो कुरान मजीद ने फैसला करके सुनाया है। मैं आपको आयत नंबर बताता हूँ, आप घरों में जाके देखिए, गलत साबित हो तो मैं आपके सामने हूँ, आपके पास मेरा सारा रब्ता मौजूद है, जो जुर्माना कहोगे मैं हाजिर हूं। लेकिन अगर बात ठीक है तो मेरे भाइयों मानना आप पर फर्ज है। गल गलत है कि ठीक है, जो चीजें अल्लाह के नाम की मानी जाए या मन्नत मनोती अल्लाह के नाम की मानी जाए लेकिन उस मन्नत मनोती को पूरा करने के लिए उस जगह की मन्नत मानी जाए
जहां पर लोग गैरुल्लाह के लिए मन्नतें मानते हैं, जहां पर लोग गैरुल्लाह की पूजा पाठ करते हैं, जहां पर लोग गैरुल्लाह की शोर पुकार के अकीदा रखते हैं, उस जगह की अगर मन्नत मानी जाए, अल्लाह की जात की कसम है, कुरान गवाह है इस बात पर, वो अल्लाह के नाम पर मानी हुई मन्नत भी खिनजीर की तरह हराम है। मैं हवाला दूंगा कुरान से भी हदीस से भी, दोनों चीज़ें हमारे लिए मेयार है ना, कुरान भी और हदीस भी। अब पहले कुरान का हवाला सुनो, सूरत का नाम सूरत मायदा और छठे पारे में इब्तदाई आयतें हैं सूरत मायदा की, मेरे भाइयों आयत नंबर 3 नंबर आयत, इस लंबी आयत है, मैं सिर्फ चंद एक वजाहती जुमले बात करता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया हुर्रमत, हराम कर दिया गया है, हुर्रमत का माना हराम कर दिया गया, अलैकुम तुम सब पर, तुम्हारे ऊपर, कौन उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, हम उम्मत मुहम्मदिया में है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ऊपर क्या चीज़ हराम कर दी गई है। अगर आपको इससे पहले एक बात कहूँ, जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं इनसे, इनको पता होगा पक्की रोटी होती है कि पक्की रोटी, पक्की रोटी उसमें ईमान की जो शर्तें बुजुर्ग सुनाते हैं उनसे पूछो तो उसमें वो कहते थे ईमान की शरायत में से शर्त है खुदा दिया हलालानू हलाल कर जनी वे, है ना शर्त, अगर पढ़ी नहीं तो सुनी तो उसी है। फिर दूसरी शर्त खुदा दिया हरामानू हराम कर जड़ी वे, खुदा ने जो चीज़ें हलाल की हैं उनको हलाल कहना हलाल मानना, और जिन चीज़ों को खुदा रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया है उनको हराम कहना, ये ईमान की शर्त है। जो खुदा की हलाल को हराम कह दे या हराम को हलाल कह दे ईमान की खैर मना है, क्योंकि ईमान की शर्त पूरी नहीं हो रही, ठीक है। अब उन हरामों में से जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं उन हरामों में से मैं आपके सामने चंद हराम बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। सूरत का नाम सूरत मायदा और आयत नंबर 3 फरमाया हुर्रमत, और लोगों हमने हराम कर दिया है, ज़हन च रख लिए गल, हराम हो गई, ईमान का हिस्सा ये हराम नु हराम मनना। फरमाया हुर्रमत तुम पर हराम है अलमैता, तो मुर्दार, क्या मतलब, वो हलाल जानवर जो ज़बह हुए बगैर शरी तरीके के मुताबिक ज़बह हुए बगैर अपनी मौत आप मर जाए शरीयत कहती है वो हराम है, मानते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मानते हैं। मुर्गी घर में मर गई ज़बह ना कर सका, कोई खाता है मुसलमान, नहीं खाता। हत्ता के 2-2.5 लाख की गाय मर जाए, नहीं खाता। 5-7 लाख का ऊँट मर जाए, नहीं खाएगा, क्यों जी, अल्लाह हराम की तय है। आगे सुन हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, फिर फरमाया वद्दम, और लोगो ज़बह के वक़्त जो रगों से खून निकलता है वो खून भी हराम है तुम पर, कोई नहीं इस्तेमाल करता, मुसलमान नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया वलहमुल खिनजीर, खिनजीर का गोश्त, ये बात कह के ना अल्लाह ने फिर कहा, देखो बात सुनो ज़रा, फरमाया हुर्रमत अलैकुम तुम पर हराम है लोगों, सुनो, अलमैता तो मुर्दार हराम, वद्दम खून हराम, वलहमुल खिनजीर खिनजीर हराम। फिर फरमाया वमा, ओ लोगों सुनो सुनो सुनो, वमा, तवज्जो से सुनो, अल्लाह अलर्ट कर रहा है, भाई हो बी अलर्ट, होशियार हो जाओ, अल्लाह और बात कह रहा है, कौन सी, फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, जो चीज भी माँ 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 जो चीज भी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की दे दी जाए, चाहे वो जानवर ज़बह हो, चाहे वो देख खाने की हो, चाहे वो मज़ार के रोटे हो, चाहे वो पानी की सबीले हो, चाहे कोई कुक्कड़ कबूतर छोड़ा हुआ होवे, चाहे कोई जानवर आज़ाद किया हुआ हो गैर के नाम का, फरमाया मा उहिल्ला, जो भी
अहल कर दिया गया, उस किसी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम का उसको वक्फ कर दिया गया, उसके नाम पर उसको यानी कुर्बान किया गया। फरमाया सुन लो, हुर्रमत, हुर्रमत, ऐ लोगो ये हराम है, ये तुम पर हराम है। मेरा ईमान कहता है कि यार अल्लाह दी हरामन हराम कर जानावना ये ईमान दी शर्त है। आपका भी ईमान कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो ये चीज़ हराम है। अच्छा फिर आगे चलो, असल तो मैं हवाला और पे देंदा, ये गल ज़िमनन आ गई। आगे सुनो जी, इसी आयत में है, फरमाया वल मुनखनिकत वल मौकूज़त वल मुतरद्दियत वन नतीहत वमा अकल सब इल्ला मा ज़क्कैतुम, तुम ये चार पांच चीज़ें हैं कि अगर कोई जानवर उसका गला दब जाए, सारी जबान आ जाती है ना फावस, फंदा आ जाए उसको और वो मर जाए, या कोई गिर कर ऊँची जगह से मर जाए, या किसी को कोई सींग मारे और उससे वो मर जाए, या फिर उसको कोई दरिंदा हमला करे और उससे वो मर जाए। फरमाया ए जानवर भी हराम इन्हें लोगों है। एक जानवर खड़ा था छत पर, बकरी खड़ी थी कि सीढ़ियों से चढ़ाई छत पे खड़ी थी, अचानक गिरी और मर गई, हराम है हलाल है, हराम है ना, ठीक है। अच्छा किसी सींग वाली बकरी ने बेसिंगी बकरी को या दूसरी बकरी को सींग मारा, उसने ढोके लग गया थे मर गई, हलाल है कि हराम है, हराम है, ठीक है। अगर कोई जानवर दरिंदा किसी जानवर पर हमला कर दे, बकरी शकरी दुम्बे शुम्बे पर दरिंदा हमला करे और उसको मार दे, हलाल है या हराम है, हराम है। अल्लाह ने फिर और जुमला कहा, फिर वही जुमला मेरे भाइयों, फरमाया वमा, और जिन्हें पीछे आके वमा ओ हिल्ला, इतने फिर फरमाया वमा, ओ लोगो सुन लो, वमा वमा जुबिहा अलन नुसुबे, वमा जुबिहा, जुबिहा जबा से है, ठीक है, वमा जुबिहा जो जबा किया जाए अल्लाह के नाम कहो और उसको जबा किया जाए, कहां पर, अलन नुसबे, कुरान खोल लो बेशक घर जाकर, तफसीरें खोल लो, अगर ये माना ना हो, ये मुफस्सिरीन ने ना लिखा हो, जो कहोगे मैं हाजिर हूं, ठीक है, लेकिन समझो सही बात को मेरे भाइयों, वमा ज़ुबिहा अलन नुसबे, जो गैरुल्ला ऐसे मकाम, ऐसे नसब, ऐसे मकाम जहां पर लोग गैरुल्ला के नाम के चढ़ावे चढ़ाते हैं, जहां पर गैरुल्ला के नाम की जो है सबीलें लगती हैं, लंगर लगते हैं, उत्थे जाके किसे बंदे ने आख्या मैं ते अल्लाह दे नाम दा पे देना, फरमाया माज़ुबिहा जो वहां पर अल्लाह के नाम का दिया जाएगा, अल्लाह कहता है हुर्रमत, वो भी खिंजीर की तरह हराम है। कुरान से मैंने दलील दी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं दलील, भूल जाए ये वीडियो बना रहा है यूट्यूब से देख लेना, नेट पे पड़ी हुई है, भाई केरे केरे हवाले देते हैं, जाके कुरान से देख लेना अगर भूल जाए तो, लेकिन ज़हन में रखो सूरत मायदा और आयत नंबर 3, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि लोगों जो गैरुल्लाह वाले जगह पर अल्लाह के नाम का ज़बह किया जाए वो भी हराम है। ये हो गया कुरान का हवाला, मैं तुनों हदीस का हवाला ही सुनावा, कुरान ही मने दिया हदीस ही मने दिया ना, है जी, दोनों चीज़ें मानते हैं ना, अल्लाहु अकबर। लो जी, सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत है, ठीक है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हाजिर होकर एक सहाबिया ने अर्ज की, आपकी खिदमत में एक औरत है सहाबी औरत, और उसने आके अर्ज की, क्या कहती है, इन्नी नजर तो, नजर तो, नजर दमाना क्या होता है, मन्नत, नजर मनोती है, इन्नी नजर तो अल्लाह के पाक पैगंबर, मैंने नजर मानी है, अन अज़बहा बे मकान कजा व कजा, हदीस पूरी सुनो, कजा व कजा मकान उन कान यज़बहु फी अहलुल जाहिलिया, औरत आई अल्लाह के पाक पैगंबर के पास और आके कहती है या रसूल अल्लाह मैंने ऐसी जगह पर मन्नत मानी है जहां जाहिलियत में यानी मुशरिकीन शिर्क वाले दौर के उरूज में मुशरिकीन लोग वहां पर ज़बा करते थे, ज़बा
करते थे, वहां पर मैंने मन्नत मानी कि मेरा फला काम हो गया तो मैं वहां जाकर जानवर ज़बह करूंगी। या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी है, इन्नी नजर तो अन अजबा बे मकान कदा व कदा मकान उनका न यजबाओ फी अहलुल जाहिलिया, जाहिलियत के दौर में लोग वहां पर ज़बह करते थे, मैंने उस जगह की मन्नत मानी है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कालो लिसाना मिन आय है तवज्जो से, काला लिसाना मिन, ओ तू जो कह रही है जाहिलियत के दौर में लोग ज़बह करते थे, वहाँ जो ज़बह करते थे वो बुतों के नाम का ज़बह करते या अल्लाह के नाम का? क्या करते थे, किसके नाम का ज़बह करते थे? अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, काला लिसाना सनम बुतरों आदे ना लिसाना में, क्या वो बुतों के नाम का ज़बह करते थे? कालत ला, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, बुतों के नाम का वो ज़बह नहीं करते थे। आगे से अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमा, काला लिवासनिन, क्या वो मूर्तियों के नाम का ज़बह करते थे? आगे से वो क्या कहती है, कालत ला, अल्लाह के पाक पैगंबर, नहीं नहीं बुतों के नाम का भी ज़बह नहीं करते थे, मूर्तियों के नाम का भी ज़बह नहीं करते थे। अल्लाह के पाक पैगंबर जी, इन्हें ज़बह खाना आई, इन्हें कैसे आई? होता है ना आप शहर में ज़बह खाना, भाई लोग ज़बह करते थे जानवर वहाँ पर, हैं या रसूल अल्लाह, बुतों के नाम का भी ज़बह नहीं करते थे और मूर्तियों के नाम का भी ज़बह नहीं करते थे, बल्कि या रसूल अल्लाह वैसे ज़बह, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, औफी बिनजरे के, ओ माई जा अपनी नज़र पूरी कर ले, तवज्जो कर बात की, बात की तरफ तवज्जो कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मन्नत का सवाल करने वाली, तूने जो मन्नत मानी थी कि फला जगह पर जानवर ज़बह करूंगे, ये तो बता कहीं वो लोग वहां गैरुल्लाह के नाम का तो ज़बह नहीं करते थे? ना ना या रसूल अल्लाह, फरमाया अगर गैरुल्लाह के नाम का ज़बह नहीं करते तो फिर मन्नत पूरी कर, जायज मन्नत है। क्यों? अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं, अगर गैरुल्लाह के नाम की ज़बह करते वहां पर, ओ मेरी साहबिया, तेरी मन्नत मानना और पूरी करना शरीयत की रूह से गलत और हराम। समझ आइए, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, औरत आई, औरत कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी है फला जगह पर जानवर ज़बह करूंगी और फला जगह पर, वो जो जगह है ना, वहां लोग जाहिलियत से वहां पर जानवर ज़बह करते आ रहे हैं, जाहिलियत के दौर में भी जानवर ज़बह करते आ रहे हैं, मैंने भी वहीं की मन्नत मानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हो सकता है, ज़हन में आया ना, हो सकता है जाहिलियत के मुशरिक जो हैं वो गैरुल्लाह के नाम की ज़बह करते हों वहां पर। तो फौरन पूछा, ओ मेरे साहबिया, कहीं लोग बुतों के नाम की तो नहीं ज़बह करते? वो कहते नहीं। कहीं मूर्तियों के नाम की तो नहीं ज़बह करते? वो कहती है नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर तेरी मन्नत ठीक है, जा पूरी कर, अगर वो बुतों के नाम की ज़बह करते या मूर्तियों के नाम के वहां पे ज़बह करते, वहां तेरी मन्नत किसी सूरत में पूरी करने की मैं मोहम्मद इजाजत कतन ना देता। समझ आई मसले की? हवाला भी सुनो हदीस दा, ए नहीं भी मैं अपने कोले भारत बना लिए, हवाला सुनो जी, ये सुनन अबी दाऊद और हदीस नंबर 3312 व सनदहू हसन, इसकी सनद हसन है। फरमाया, लोगों सुनो कि अल्लाह के पाक पैगंबर पूछ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, ओ माई सुन ले, अगर वहां पर किसी गैर के नाम का पहले ज़बह किया जाता तो आज मैं तुम्हें वहां पर मन्नत पूरी न करने देता। इसका क्या मतलब हुआ? जहां पर लोग गैरुल्लाह के नाम की न्याजें देते हों, जहां पर लोग गैरुल्लाह के नाम की ज़बह करते हों, खैरातें गैरुल्लाह के नाम की करते हों, वहां पर अल्लाह के नाम की मन्नत पूरी करना भी हराम है। समझ आई मसले की? अब दूसरी हदीस सुनो जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर उसने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। सैयदना साबित बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر نظر مانی اے رجل ایک مرد نے على عهد رسول الله اللہ کے رسول کے عہد اور زمانے کے اندر عین ہرا ابلن ببوانتا اس نے منت اور نظر کیا مانی کہ وہ ایک اونٹ کا نہر کرے گا اونٹ کے اندر دو چیزیں جائز ہیں نا میں انشاءاللہ ابھی قربانی سے پہلے ایک جمعہ آتا ہے آپ کو پتا ہوگا صاحب کا سالوں سے میری روٹین ہے اس جمعے پر صرف قربانی کے مسائل بیان ہوتے ہیں ذبح کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ وہاں پر وضاحت کر دوں گا مختصر یہ ہے اونٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ذبح بھی ہوتا ہے نہر بھی ہوتا ہے نہر ہوتا ہے برچہ مار کے شارگ نو کٹ کے خون نچوڑنا یہ نہر ہوتا ہے اور ذبح ہوتا ہے جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے دونوں چیزیں جائز ہیں تو اس نے کیا کہا صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اس نے منت مانی ہوئی تھی نظر مانی ہوئی تھی این ہرا ابلن ایک اونٹ کا نہر کرے گا ایک مقام ہے بوانا وہاں پر فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال اور کہتا ہے انی نظرت ان ہرا ابلن ببوانتا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا نہر کروں گا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا بل کان فیہما وثن من اوسان من اوسان الجاہلیت یعبد اور سوال کرنے والے یہ بتا وہاں پر کوئی ایسی مورتی اور بت تو نہیں ہے توجہ کر توجہ وہاں پر جہاں پر بوانا کے مقام کی تو نے منت مانی ہے وہاں اس مقام پر کوئی جاہلیت کے دور کا بت تو نہیں ہے یعبدو جس کی عبادت کی جاتی ہو جس کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں جس کے نام پر منت منوتی کی جاتی ہو تو قالوا لا اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ قال هل كان فيهما عيد من اعيادهم ہوئے ہوئے توجہ توجہ هل كان فيهما عيد من اعيادهم اللہ کے نبی نے فرمایا اتھے کہ نہیں کوئی عیداں تے عرستا نہیں منیندا حدیث ہے حدیث حوالہ دیتا ہوں آپ کو فرمایا هل كان فيهما فيها عيد من اعيادهم کیا وہاں پر عید عید کا معنی کیا ہوتا ہے لوٹ کر آنا عاد یعود اس کا معنی لوٹ کر آنا اور خوشیاں منانا عرس دا معنی کیا ہوندا ہے عرس عروسا ہے شادی کو کہتے ہیں نا کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے خوشی ہے تو فرمایا او لوگو سنو کیا وہاں پر کوئی عید اور میلہ اور عرس تو نہیں مناتا فرمایا هل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا وہ کہتا ہے نہیں 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 یا رسول اللہ اتھے کوئی میلے روہیلے کوئی ٹھیلے چھیلے کچھ بھی نہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنظر کا اپنی منت پوری کر جا اور میرا نبی کیوں پوچھ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی مورتی بت تو نہیں ہے جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہوں کیوں اس لیے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو وہاں پر اللہ کے نام کی منت منوتی ماننا بھی حرام ہے ادھر پوری کرنا حرام ہے ناجائز ہے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مطلب کوئی میلے عیداں اتھے ہوندیوں اور جشن جشن بہاراں کے نام سے اور جیسے ہمارے روکھری میں ہوتا ہے پیر مدلی شاہ والا ہے مدلی شاہ نعوذ باللہ مدلی شاہ نا تے غور کرو انہ بزرگاں تے نا وگار دیتے تے گستاخ اساں میرے نہیں پتا اتھے کون دفن ہے پتہ نہیں کون ہے مدلی شاہ نعوذ باللہ اصل لفظ کیا ہوگا محمد علی شاہ امید علی شاہ امید علی شاہ نو مدلی شاہ والا جلسہ لوگ ویکھن ویندا ہے او کے ہوندا ہے عرس ہوندا ہے میں نے حقیقت ہے کئی مواہدوں کو بھی دیکھا ہے کئی مواہدوں کو دیکھا ہے او جی جلیبیاں بڑی چنگی ہوندی ہیں ٹھیک ہے روٹے بڑے اچھے ہوتے ہیں جی گھڑ دوڑ ہوتی ہے جی فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اللہ کے نبی کیا صحابی سے پوچھ رہے ہیں اور صحابیہ کیا وہاں پر کوئی عید اور جشن تو نہیں منایا جاتا خوشیاں اور روہیلے ڈھیلے اور یہ بہت کچھ جو آپ دیکھتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے پوچھا تو وہ کہتا ہے لا لا نہیں نہیں یا رسول اللہ وہاں پر اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اوف بنظر کا
हो आगे जुमला क्या है हदीस में, फइन्नहु ला वफा लिनज़रिन फी मासियतिल्लाह। फरमाया ओ लोगो सुनो, फइन्नहु ओ सुनो लोगो, अपने बिला शुबा अल्लाह की नाफरमानी में किसी नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं है। ये हदीस है, हवाला सुनो, ये भी हदीस सुनन अबी दाऊद की है और हदीस नंबर है 3313 और मौजमुल कबीर लितबरानी और इसके अंदर भी वसनदु सहीहुन। भाइयों मैंने आपको कुरान और हदीस से हवाले दिए हैं, अब बात घड़ी ठीक है, कितने पहुंच गए हैं? उतने पौने ही के जी, इतने पौने दो हो गए, अच्छा घंटा लेट हो, चलो बहरहाल 10-12 मिनट ऊपर हो गए। बात समझो भाइयों, अकीदा ठीक नहीं होगा तो पल्ले कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, खुलासा है, खुलासा क्या है कि मन्नत और नज़र शरीयत की रूह से जायज़ है। बताया ना मैंने आपको शुरू में, अल्लाह का वास्ता टाइम से आ जाया करो, मैं आपके लिए मुताला करके आता हूँ, आपके लिए मवाद लेके आता हूँ और आप देर से आते हैं, ठीक है। चंद एक बंदे होते हैं इब्तिदा में, मेरी दरख्वास्त है यार थोड़ी सी कुर्बानी दो, मैं भी तो कुर्बानी करके आते नहीं हूँ वहाँ से, मैं आपसे क्या लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता, तो आपसे दरख्वास्त है आप टाइम तो दिया करें थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको अर्ज़ किया मन्नत और नज़र शरीयत की रूह से जायज़ है, इसका मानने में कोई हरज नहीं है, लेकिन लेकिन उसके लिए चंद शरायत हैं मन्नत और नज़र मानने के लिए। शर्त पहली ये है कि नज़र सिर्फ़ अल्लाह के नाम की मानी जाए, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की नज़र हराम है। बताया मैंने आपको शुरू में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नज़र और मन्नत उन चीज़ों की मानी जाए जो शरीयत की रूह से आमाल इबादत है, इबादत वाले आमाल हैं। मसलन मेरा फलां काम हो गया तो मैं 10 नफल पढ़ूंगा, मैं 2-3 रोज़े रखूंगा, 1 रोज़ा रखूंगा, मैं सदका करूंगा, मैं बकरा ज़बह करूंगा, मैं फलाने की का, यानी वो आमाल जो शरीयत की रूह से वाजिब या फ़र्ज इबादत में से थे और बंदे पर उस वक़्त तो लाजिम नहीं है, बंदे ने मन्नत और नज़र मान के अपने ऊपर लाजिम कर दिए, तो ऐसे आमाल की नज़र मानना शरीयत की रूह से जायज़ है। एक बंदा आके मैं मन्नत में रहना, भाई मेरा काम हो गया तो मैं मोटरसाइकिल चले सा, ठीक है, तो ये शरीयत की रूह से सही नहीं है मन्नत, गो के इसका पूरा करना लाजिम है वो अलग इशू है, लेकिन ऐसी मन्नतें नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि मेरे भाइयों गुनाह के काम की मन्नत मानना ये शरीयत की रूह से बिल्कुल गलत है। गुनाह के काम की, भाई मेरा मेरा फलां काम हो गया तो मैं शराब पीसा, नौज़ुबिल्लाह, मेरा फलां काम हो गया तो मैं फलां गुनाह का काम करूंगा, फलां गुनाह का काम करूंगा, तो ये मन्नतें मानना शरीयत की रूह से बिल्कुल मना है और हराम है, नाजायज़ है। अलबत्ता मैंने आपको मसला भी बताया है, ऐसी मन्नत अगर किसी ने गलती से मान ली तो शरीयत कहती है ये मन्नत पूरी नहीं करेगा, ये मन्नत पूरी, बोलो बोलो ज़रा, मन्नत पूरी नहीं करेगा, लेकिन लेकिन उसका कफारा उस पर लाजिम आएगा, वो कफारा होगा जो कसम का कफारा होता है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या 3 रोज़े रखना, ये आपको पता है कसम का कफारा, ठीक है, उस पर कफारा लाजिम आएगा। अब ये 3-4 चीज़ें हो गई, फिर मैंने आपको बताया कि कुरान की रूह से एक मन्नत का मैं आपको वाक्य बताता हूँ जो अल्लाह के नाम की मन्नत है और मुसलमान को ऐसे मन्नत माननी चाहिए, वो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा इमरान, हज़रत इमरान की बीवी, उसने जो मन्नत मानी थी। तीसरा पारा है सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 35 है, उसमें आप जाकर देखिएगा, उसमें अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह के नाम की मन्नत कैसे मानो, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा मुशरिकीन की नज़र मानने का जो तरीका था उसका मैंने आपको हवाला दिया कि 8वां पारा है सूरत अनआम है और आयत नंबर 136 136 नंबर की आयत, उसमें अल्लाह ने फरमाया मुशरिकीन मक्का गैरुल्लाह के नाम की भी नज़रें मानते थे, मन्नतें मानते थे, अल्लाह के नाम के भी मन्नतें मानते थे, और अल्लाह ने फरमाया सा मा यहकुमून, और कितने बुरे ये फैसले करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अल्लाह के नाम की मन्नत एक मुसलमान ने मानी, लेकिन साथ ये शर्त लगाई भाई ये मन्नत मैं पूरी करूंगा फला मज़ार पे जाकर, फला मकाम जहां पर लोग
गैर अल्लाह के नाम के चढ़ावे चढ़ाते हैं, गैर अल्लाह यानी चादरें चढ़ रही हैं, सबीलें लग रही हैं, लगर लग रहे हैं वगैरह वगैरह, और ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ये कहता है कि मैं अल्लाह के नाम की मन्नत मान रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर मैं ज़बह करूँगा। याद रखो, मैंने कुरान का हवाला आपको दिया है, सूरत मायदा है और आयत नंबर 3, उसमें अल्लाह ने दरमियान में फरमाया कि लोगों ऐसे मकामात पर अल्लाह के नाम का ज़बह किया हुआ भी खिंजीर की तरह हराम है। अब ईमान से बताओ, तवज्जो से मेरी आखिरी जुमले तवज्जो से सुनो मेरे भाइयों, ईमान से बताओ, खिंजीर का गोश्त खाना हलाल है कि हराम है? हराम है। कुरान कहता है जैसे खिंजीर का गोश्त हराम है, इसी तरह के मज़ार तो आए रोटे भी उन्हीं हराम है। कै मज़ार दे नाते कै मज़ार, किसी मज़ार पे लगा हुआ लंगर तबर्रक, उसका खाना भी उसी तरह हराम है। कुरान कहता है, मैंने हवाला रेफरेंस दिया है आपको, और फिर अबू दाऊद के 2 हदीसों के मैंने हवाले दिए। वो औरत आई, उसने आके नबी से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने फला मकाम की मन्नत मानी हुई है कि वहाँ जाकर मैं ज़बह करूँगी जानवर। अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ पर कोई बुत तो नहीं है जिसकी लोग पूजा करते हों? अल्लाह के नबी को अर्ज़ करती है नहीं नहीं या रसूल अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ कोई मूर्ति तो नहीं है? कहती है नहीं नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया ओ फिन नज़र, ओ मर्द, ओ औरत जाके अपनी नज़र पूरी कर ले। क्यों? इस वास्ते के वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तेरी मन्नत को पूरा करने में रुकावट पेश करें। वो कौन सी चीज़ें थीं? हदीस कहती है गैरुल्लाह के नाम की शोरों पुकार, गैरुल्लाह के नाम के मेले रोहेले वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी तो अल्लाह के नबी ने तब इजाज़त दी। ठीक है। और फिर मैंने आपको एक हदीस और सुनाई, उसमें एक सहाबी आया, वो कहता या रसूल अल्लाह मैंने भी मन्नत मानी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस जगह के तूने मन्नत मानी हुई है उत्थे कोई बुत्ता नहीं? वो क्या कहता है नहीं या रसूल अल्लाह। दूसरा सवाल हदीस मैंने हवाले के तौर पर पेश की है, और दूसरा सवाल मेरे नबी का, फरमाया उत्थे कोई ईदा तो नहीं मनेंदा, खुशियाँ ते उरस तो नहीं मनेंदा? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, वहाँ पर उरस मेले शेले नहीं होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा, तू जाके नज़र पूरी कर और सुन ले, अल्लाह की मासीयत वाली जगह पर, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के मासीयत वाली जगह पर नज़र पूरी करना शरीयत के रूह से बिल्कुल जायज़ नहीं है। मफ़हूम हदीस मैंने आपको सुनाया भाइयों, अब इंशाल्लाह आपके ज़हनों में आ गया होगा ये बुनियादी अकायद हैं। इंशाल्लाह अगले जुमे पे टाइम पे आएगा, अल्लाह पाक खैर करे, ज़िंदगी हुई किस्मत में हुआ, इंशाल्लाह मैं आपके सामने चंद चीज़ें बयान करूँगा। वो कौन सी? कि हमारे मुआशरे में कुछ शिरकिया अकायद मशहूर हैं, कुछ शिरकिया अकायद मशहूर हैं। लाल पीर लाल पुत्र दे रत्ता लाल, फलां किश्ती पार लगाना वगैरह वगैरह वगैरह, ये शिरकिया और कुफ्रिया अकायद हमारे उर्फ में मशहूर हैं। इंशाल्लाह इनकी वजाहत करेंगे अगले जुमे पे। टाइम न लासो, देख लो मस्जिद में बैठ के कह रहे हो, फिर सोच के बताओ, पिछली बात को ज़ीरो कर दो, टाइम न लासो, बस आपने टाइम पे आना है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अगले जुमे वजाहत करेंगे। अल्लाह हम सब के अकायद की